ये फाइनल टर्म की हाइलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 610 के फाइनल टर्म के हाइलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि हु इज द सपोर्टर ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, कौन जो है सपोर्टर है इनमें से कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का। सो वो है कैंट। सो कैंट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इन विच सिस्टम, कौन से सिस्टम के अंदर स्लेवरी जो है, गुलामी जो है, वो वुड बी इंटायरली लीगल, पूरी तरह से यानी कि वो लीगल होगी। कौन सा ऐसा सिस्टम है, जितने भी सिस्टम यहाँ पे दिए गए वो होगी प्योर फ्री मार्केट सिस्टम के अंदर, जो प्योर फ्री मार्केट सिस्टम होगा वहाँ पर। उसके बाद ये कि अगर समीर जो है वो डिस्ट्रॉय करता है साजिद की प्रॉपर्टी को या फिर इंजर करता है उसको बॉडीली तौर पर, और समीर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, मॉरली रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको पे करे डैमेजेस, ये जो एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, कौन सी जस्टिस की, यह है कंपनसेटरी जस्टिस की, क्योंकि कंपनसेशन जो है वो दे रहा है, फिर वो देगा यानी कि। और सपोज करें कि एक फीमेल मैनेजर है जो कि सुपरवाइज करती है 10 लोगों को, और एक जो है उसी उन्हीं में से उसका फ्रेंड भी है, उसकी फ्रेंड भी है। सो एक दिन जो है उसने पाया अपने फ्रेंड को कि उसने स्टील किया, कुछ चोरी की है कंपनी से। सो शुड शी टर्न इन हर फ्रेंड एज कंपनी पॉलिसी रिक्वायर, और शुड शी से नथिंग टू प्रोटेक्ट हर फ्रेंड, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, जो कंपनी की तरफ से रिक्वायर है वो करना चाहिए पॉलिसी, या फिर अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अब ये जो एक एग्जाम्पल है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन केयरिंग एंड जस्टिस, क्योंकि एक तरफ केयरिंग है दोस्त की तो एक तरफ जस्टिस है। सो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है केयरिंग और जस्टिस के दरमियान। सो थर्ड वन इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है मॉरल जजमेंट जो है अप्रोचेस विल बी यूज यूज किया जाएगा जब समवन एस एक्शन एंड पॉलिसीज, किसी का एक्शन और पॉलिसीज जो है सब्सटेंशियली अफेक्ट करेगा वेलफेयर और जो फ्रीडम है स्पेसिफिएबल इंडिविजुअल की, वो है राइट्स। राइट्स इज दी आंसर, राइट इज दी आंसर देयर। उसके बाद ये कि किसने डिफेंड किया फ्री मार्केट को यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट की बेसिस के ऊपर, वो किया एडम स्मिथ ने। सो एडम स्मिथ इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम जो है जिसके अंदर मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली तौर पे ओन किया जाता है, यानी कि प्राइवेट ऑनर्स होते हैं और ऑपरेट किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करना प्रॉफिट मकसद होता है, प्राइवेट ऑनर होते हैं, ऐसा कैपिटलिज्म के अंदर होता है। सो कैपिटलिज्म इज दी आंसर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट जो है, इकोनॉमिस्ट का हार्शेस्ट और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स रहा है, जो भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशन और फ्री मार्केट जो है वो क्रिएट कर रही है एक तरह से। सो वो है कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स का जो है बहुत हार्श और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक रहा है ऐसी इनइक्वालिटीज़ की वजह से, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्री मार्केट की वजह से होती हैं। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है मॉरल आउटकम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, वो है फेथ। फेथ इज द आंसर। बाकी जस्टिस, यूटिलिटी और राइट्स इसके अंदर है। और उसके बाद ये कि चिकन डिलाइट जो है वो एक मेजर, एक चेन स्टोर है, फूड चेन स्टोर है, जिसकी मेजर प्रोडक्ट तो चिकन है, लेकिन चिकन डिलाइट जो है वो सेल करेगा एक फ्रेंचाइज लाइसेंस ऐसे ही शख्स को जो कि इस बात पे एग्री हो जाए कि वो परचेज करे सर्टेन नंबर ऑफ कुकर्स, कुछ एक खास मिकदार जो है कुकर्स की, फ्रायर्स की और दूसरे सप्लायर्स की भी। अब ये एग्जांपल किसकी है, टाइंग अरेंजमेंट की, यानी कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ें भी लेना होंगी, ये टाइंग अरेंजमेंट की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से ऑप्शन से मुराद जो है वो अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कंटेमिनेशन होती है एनवायरनमेंट की, मैन्युफैक्चर से या फिर जो यूज ऑफ प्रोडक्ट है। सो आंसर इज दी पॉल्यूशन हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी पब्लिक पॉलिसी जो है वो देखती है एडवोकेट जो है वो ब्रेकिंग करना लार्ज फर्म्स को स्मॉलर यूनिट्स में, वो है दी एंटी ट्रस्ट व्यू। सो एंटी ट्रस्ट व्यू इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिसिप्लिन जो कि स्टडी करता है मॉरल रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग्स के, और जो वैल्यूज़ हैं और मॉरल स्टेटस हैं एनवायरनमेंट, और जो नॉन ह्यूमन कंटेंट है वो है एक एनवायरमेंटल एथिक। एनवायरमेंटल एथिक इज द आंसर। सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है
इज अ कॉस्ट, वो ऐसी कॉस्ट होती है जो कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बेयर नहीं करते, मैन्युफैक्चरर को नहीं उठानी होती ऐसी कॉस्ट, वो होती है सोशल कॉस्ट। सो सोशल कॉस्ट इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो बेस नहीं करता इस आइडिया के ऊपर कि एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड हो ह्यूमन बींग्स के लिए, वो है इकोलॉजिकल एथिक। इकोलॉजिकल एथिक है इसका आंसर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यूटिलिटेरियन रेमेडी है पॉल्यूशन के लिए, वो है कि इंटरनलाइज करना एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। सो फर्स्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स टू बी कंसिस्टेंट, देखा जाता है कि वो कंसिस्टेंट है यूटिलिटेरियन वे ऑफ डीलिंग के साथ जो पॉल्यूशन के साथ है वो। सो ये है जस्टिस, जस्टिस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि किसने समराइज किया प्रोसीजर जो है कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस के लिए, वो किया थॉमस कलाइन, थॉमस कलाइन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा डिसिप्लिन जो है उसने आर्ग्यू किया कि सॉल्व करने के लिए हमारी जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमें पहले जो है वो वी मस्ट चेंज, हमें लाजमी चेंज करना है डिस्ट्रक्टिव मोड ऑफ थिंकिंग को, वो है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सिर्फ वही तरीका है इंश्योर करने का सप्लाई जो है कल की आने वाली जनरेशन के लिए, वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इज द आंसर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो बेस करता है आइडिया के ऊपर कि जो नॉन ह्यूमन पार्ट्स हैं एनवायरनमेंट के वो डिजर्व करते हैं कि उनको प्रिजर्व किया जाए उनके खुद के सेक के लिए, वो है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी इज द आंसर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी थ्योरी जो है अज्यूम करती है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्कवर कर सकता है पूरा का पूरा रिस्क जो एसोसिएट है एक प्रोडक्ट के यूज़ करने के साथ इससे पहले कि उसको एक्चुअली यूज़ किया जाए, ये है द ड्यू केयर थ्योरी, द ड्यू केयर थ्योरी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है वैलिड क्रिटिसिज्म जो एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है उसके ऊपर, वो है एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल। सो वेस्टफुल है एडवर्टाइजिंग, ये कोई वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है। क्रिटिसिज्म हो सकता है ये, लेकिन कोई वैलिड नहीं है ये चीज़। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो डिग्री ऑफ रिस्क है जो कि एसोसिएट एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के साथ, वो है प्रोडक्ट सेफ्टी, क्योंकि प्रोडक्ट सेफ्टी जो है वो यूज़ करने के साथ होती है कि किस हद तक प्रोडक्ट जो है वो सेफ है जब उसको यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो उन एरियाज में से है जो कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ड्यू केयर थ्योरी के मुताबिक, वो है कि ड्यूटी टू प्रोड्यूस हेल्थी प्रोडक्ट्स, ड्यूटी है कि प्रोड्यूस की जाए हेल्थी प्रोडक्ट्स। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सिर्फ तरीका इंडिकेट करने का कि क्या प्रोसेस जो है वो फेयर है या डिस्क्रिमिनेटरी है, वो है कि सी व्हाट हैपेंस टू माइनॉरिटी एज अ ग्रुप, ये देखा जाए कि जो माइनॉरिटीज एज अ ग्रुप है उनके साथ क्या होता है। सो इससे जो है वो पता चलता है। उसके बाद ये कि जो इनमें से जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय जॉन कैनेथ गिलब्रिथ, जॉन कैनेथ गिलब्रिथ ने इनमें से कौन सी बुक लिखी, वो लिखी द एफ्लुएंट सोसाइटी। द एफ्लुएंट सोसाइटी इज द आंसर। और उसके बाद ये कि किसने आर्ग्यू किया कि एडवर्टाइजिंग जो है वो मैनिपुलेटिव है और ये जो क्रिएशन है डिजायर की कंज्यूमर के अंदर, और सोल पर्पस क्या होता है एब्जॉर्ब करना इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये कहा के गिलब्रेथ, के गिलब्रेथ। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक प्रपोज्ड प्रोग्राम है जहाँ पर लार्ज स्केल पब्लिकली फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम का एम होता है एम्पावर करने के ऊपर ऑर्डिनरी सिटीजन को, वो है इन्वेस्टमेंट इन मैन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट मार्केटर शुड नॉट एक्सप्लॉइट क्रेडुलिटी लैक ऑफ नॉलेज या फिर जो इनएक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर है, वो है ऑनेस्टी। सो ऑनेस्टी इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो मॉडर्न कॉरपोरेशन है उनमें क्या क्या है होता है, स्टॉक होल्डर्स हैं एम्प्लॉयज हैं और डायरेक्टर्स हैं। सो ये जो है थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो क्राइटेरिया नहीं है जिसको एम्प्लॉयड किया डिफरेंट एथिसिस्ट ने इवेल्यूएट करने के लिए मॉरल रीजनिंग, वो है कि मॉरल डेवलपमेंट मस्ट बी एथिकल। सो दिस वन इज द आंसर। तो
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।